हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम झटपट से, कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे, मैं नाश्ते में बच्चों को क्या बना के दूं। तो नाश्ते में मैं आज क्या बना रही हूँ वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। मैंने ये दो प्याज ली हैं और ये प्याजों को मैं छील रही हूँ। और दिन के बज रहे थे, 9:30 हो चुके हैं, बच्चे भूख भूख मचा रहे थे क्योंकि आज छुट्टी है बच्चों की। तो उनके लिए ना मेरे समझ कुछ नहीं आ रहा था, तो मैंने आज क्या बनाया कि मैंने दो प्याज ली हैं और इसको मोटी मोटी मैं कर लूँगी क्योंकि मैं इसे चॉप करूँगी, चॉपर में इसको बारीक कर लूँगी। जब ये बारीक हो जाएगी तभी उस बनेगा। तो जो मेरी ये आज नाश्ता मैं बना रही हूँ, ये नाश्ता एकदम से अलग है और बहुत टेस्टी बनता है। तो आज बड़ी परेशान थी मैं कि क्या बनाऊँ, समझ में कुछ नहीं आ रहा था। कोई कह रहा था मटर बना दो, कोई कुछ कोई कुछ, और पोहे बनाने का मन नहीं था, इसके लिए मैंने पोहे नहीं बनाए। तो बस अब ये हमारी प्याज कट गई है और ये रख दूँगी। एक प्याज, तीन प्याज ली थी तो मैंने उसमें से दो प्याज कट करी हैं। और ये हमारी हरी मिर्च, और इनको दो हरी मिर्च डालूँगी इसके अंदर। पहले मैं इसको कूड़े को उठा लूँगी यहाँ से, उसके बाद फिर ये प्याज धो लूँगी इनको, मिर्चों को। और बस फटाफट से बहुत जल्दी जल्दी बना रही थी कि बच्चे शोर मचाए जा रहे थे। तो ये मैंने चॉपर में चॉप कर ली थी प्याज, और अब मैं इसमें डालूँगी बेसन। ना ये पकौड़े हैं ना ये कुछ ऐसा नाश्ता नहीं है, ये बहुत टेस्टी नाश्ता बन के तैयार होता है। बस अब इसमें मैं नमक डाल रही हूँ। नमक डाल के इसके बाद डालूँगी इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर 1 चम्मच, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि मैं इसमें दो हरी मिर्च डाल चुकी हूँ ना, इसलिए मैंने इसमें डाला धनिया, लाल मिर्च और नमक। सिर्फ इतना ही कुछ डालना है इसके अंदर, ज़्यादा मैं कुछ नहीं डाल रही हूँ, खटाई वटाई कुछ नहीं डाल रही हूँ, कोई और मसाला नहीं मिक्स कर रही, बिल्कुल सादा सिंपल बना के नाश्ता आज मैं बच्चों को दे रही हूँ। दही के साथ और लाल मिर्च के साथ ये नाश्ता बन के हमारा तैयार होगा। तो बस अब इसको ना हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें सारी चीज़ों को एकदम मिक्स कर लेंगे, इसका अच्छा सा एक पेस्ट बना लेंगे। जैसे हम पेस्ट बनाते हैं उसी तरह से हम पेस्ट बना लेंगे। तो हाँ, आपको अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। अब मैं इसको हाथ से ही करूँगी मिक्स, क्योंकि चम्मच से हो नहीं रहा था तो मैंने इसको हाथ से ही मिक्स कर लिया, और ये हाथ से बहुत अच्छा मिक्स होगा। मेरे हाथों में हरी मिर्च लगती है, मैं इसलिए नहीं कर रही थी, लेकिन मुझे करना पड़ा क्योंकि मुझे जल्द बहुत शोर मचाए जा रहे हैं बच्चे, तो जल्दी बनाओ, तो मैं फटाफट से बनाना चाह रही हूँ। लेकिन वही है ना, टाइम तो लगता है हर चीज़ को, फटाफट तो नहीं बन जाती। ये देखो, अब यहाँ हमने आटा लिया, आटा मेरे से पहले से मला हुआ है, सुबह मैंने बनाया था तो मला हुआ है, नाश्ता बनाया था सुबह, हस्बैंड का लंच बनाया था। अब मैं फटाफट से इसको, और यहाँ बना रही बेसन वाला पराठा। अच्छे से इसकी फिलिंग जो है बेसन वाली है, तो बेसन की फिलिंग के साथ ये हमारा पराठा बनेगा। अच्छे से बेल लेंगे और 1 चम्मच उठाएंगे और इसके अंदर ये इसको भर लेंगे। तो मैं ना इसके अंदर घी लगाना भूल गई थी नीचे, अब मैं इसका घी रख दूँगी। कोई बात नहीं है, आप पहले लगाओ या इसके साथ में डालो, बनता टेस्टी है। जहाँ एक खाते हैं ना वहाँ जो एक पराठा, मेरी बेटी एक दो पराठे से ज़्यादा नहीं खाती है, तो आज उसने खाए, मैं नहीं बताऊंगी कितने खाए पर ज़्यादा खाए, बहुत टेस्टी बनते हैं ना, वो ये वाला पराठा बहुत पसंद करती है। तो बस ऐसे हाथों से ना थोड़ा सा हम इसको ना बेल लेते हैं, हाथों से कर लेते हैं ना तो बहुत अच्छे से बिल जाता है, टूटने का इसका बहुत खतरा नहीं रहता, और अच्छा अच्छा पराठा। अगर इसमें बेलन ज़रा सा भी ज़्यादा लग जाएगा ना तो ये फट जाएगा, इसको ना हल्के हाथ से बेला जाता है। ये पराठा मेरा थोड़ा सा
हो गया था क्रैक, लेकिन इतना नहीं हुआ था क्योंकि मैंने ज़ोर से मार दिया था। उधर से आवाज़ आ रही थी जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ, तो उस चक्कर में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कितनी जल्दी करूं। एरोप्लेन भी इतना जल्दी नहीं चलता, इतनी जल्दी मेरे बच्चे शोर मचाए जा रहे थे। इसके लिए ये बस पराठा मैंने इसके ऊपर डाल दिया, दूसरा भी ऐसे ही बना लूँगी। फटाफट से इसको मैं पलटूंगी। दूसरे को भी ऐसे ही बना लूंगी बस। अब मैंने इसके ऊपर घी लगा लिया है क्योंकि पहले पर नहीं लगाया था, इसके ऊपर मैंने घी लगा लिया है। और हाँ, ये बहुत, आप एक बार ज़रूर बना कर, अगर आप बनाते हो तो मुझे कमेंट्स में बताएं कि हम बनाते हैं, नहीं बनाते हो आपके लिए नया है तो ज़रूर मेरे को कमेंट्स करके बताएं, और आप कैसे बनाते हो वो भी मुझे बताएं। जब कुछ समझ ना आए ना तो ऐसी चीज़ें फटाफट बनती हैं। मैं इसके ऊपर घी लगा के इसको अच्छे से सेक लूँगी करारा। सुबह सुबह रसोई का इतना बुरा हाल हो जाता है कि बस इधर से संभालो उधर से, उधर से संभालो उधर से। नहीं, शोर मचा रहे थे ना, बस मेरा दिमाग ही खराब हो कर दिया आज बच्चों ने। बस हो गया गोल्डन कलर, ये देखो पराठा बन गया। और दूसरा पराठा भी सेक लेते हैं दही के साथ। ये देखो हमारा, ये भी पराठा सिक के हो गया तैयार, और इसको भी मैं रख दूंगी ये देखो फटाफट से। और ये मैं देख के आती हूँ और देखते हैं क्या रिएक्शन होगा बच्चे का खाने का। ये देखो बिटिया खा रही है, और ये दही के साथ, और ये हरी मिर्च का मैंने अचार डाला है कल, तो मेरे को ना ऐसा ही अचार पसंद आता है। तो ये देखो, अगर अच्छी लगी हो रेसिपी तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करें।